नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया में सबसे पहले आप तमाम देशवासियों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है और वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बिहार में, खास करके उनके जो हनुमान कहे जाते हैं यानी चिराग पासवान, उनको जो है बहुत बड़ा झटका लगा। और वो इसलिए क्योंकि जो LJP के जो चिराग पासवान की पार्टी है, उनके दो बड़े दिग्गज जो उनके समर्थक हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। यही वजह है कि मोदी के कहे जाने वाले हनुमान को जो है थोड़ा सा चौंकाने वाला झटका लगा, परेशानियां लगी। और वो इस वजह से क्योंकि लगातार पिछले 3 से 4 महीने या फिर उसे कह लीजिए बिहार चुनाव से लेकर अभी तक चिराग पासवान को झटका ही लगता आ रहा है, क्योंकि एक तरफ उनके चाचा उन्हें परेशान कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो उनके एक से एक प्रचारक हैं, समर्थक हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो इस बात का जो उन्हें कहीं ना कहीं चिंता परेशान कर रहा है कि आखिर अब वो उनके आगे की रणनीति क्या रहेगी। बीच में जैसे ही उन्हें जब LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जब उन्हें हटा दिया गया, तो किस तरह से आपने देखा कि अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद वो अब RJT से समर्थन करेंगे, उनसे गठबंधन करेंगे, लेकिन ऐसा बीच में कुछ आया नहीं। लेकिन जो ये खबरें आई हैं, एक तरफ चाचा से वो परेशान है, चाचा भतीजे की लड़ाई जो है बीच में सुलझा नहीं था क्योंकि उनसे उनको जान मारने की धमकी दी जा रही थी, गालियां दी जा रही थी, पशुपति पारस ने FIR तक दर्ज करवा दिया था। तो एक तरफ वो परेशानी, अब इस वक्त की जो सबसे बड़ी परेशानी आई है वो ये कि उनके जो समर्थक हैं, बड़े दो बहुत बड़े चेहरे हैं जो उनके समर्थक हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो इससे कहीं ना कहीं चिराग पासवान को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप देखना होगा कि आखिर चिराग पासवान इस पर अपना क्या रुख रखते हैं, क्या टिप्पणी करते हैं। जो भी खबरें आएंगी वो जरूर आपको नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया।